हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूँ अमेजिंग प्रसाद में। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी हिट कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हम जानेंगे 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाने के पीछे का वजह क्या है। आखिर 14 फरवरी को ही वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं? दोस्तों, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को कौन भूल सकता है। यह फरवरी का महीना वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन प्यार करने वालों के लिए अहम दिन माना जाता है। प्यार करने वाले युगल एक दूसरे को ग्रीटिंग्स गिफ्ट्स रोज देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन क्या आपके दिमाग में यह बात आई है कि वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को क्यों मनाते हैं? अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, चलो चलिए दोस्तों जानते हैं। दरअसल वैलेंटाइन एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम सेंट वैलेंटाइन था। लेकिन यह कहानी प्यार से भरी हुई नहीं है। यह कहानी एक दुष्ट राजा और एक कृपालु संत वैलेंटाइन के आपसी दुश्मनी की है। यह कहानी है रोम की 30वीं सदी से, जहां एक अत्याचारी राजा हुआ करता था जिसका नाम क्लूडियस था। रोम के राजा क्लूडियस का यह मानना था कि एक अकेला सिपाही एक शादीशुदा सिपाही से उचित, शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। सिपाही को हमेशा जंग लड़नी पड़ती है और शादीशुदा सिपाही को हमेशा इस बात की चिंता लगी रहती है कि उसके मर जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा। इसी चिंता के कारण वह युद्ध में अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना पाता है। यही सोचकर क्लूडियस राजा ने ऐलान किया कि उसके राज्य में कोई भी सिपाही शादी नहीं करेगा, और जिस दिन किसी ने भी उसके आदेश का उल्लंघन किया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। राजा के इस फैसले से सिपाही नाराज थे और उन्हें पता था कि यह फैसला गलत है, लेकिन राजा क्लूडियस के डर से किसी सिपाही ने इस फैसले का उल्लंघन नहीं किया। राजा की इस आज्ञा का पालन करने के लिए सैनिक मजबूर हो गए थे। लेकिन रोम के संत वैलेंटाइन को ये नाइंसाफी बिल्कुल मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने राजा से छुपकर युवा सिपाहियों की मदद करने का फैसला किया और उनकी शादी करवाने लगे। जो सिपाही अपने प्रेमिका से शादी करना चाहते थे वो वैलेंटाइन के पास जाते और उनकी मदद मांगते, और वैलेंटाइन उनकी मदद भी करते थे उनकी शादी करवा कर। इसी तरह वैलेंटाइन ने बहुत से सिपाहियों का गुप्त तरीके से शादी करवा दी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, सच ज़्यादा दिन तक नहीं छिप सकता, एक न एक दिन सामने जरूर आता है। इस तरह वैलेंटाइन के बारे में एक दिन क्लूडियस राजा को मालूम पड़ गई। संत वैलेंटाइन ने राजा के आदेश को पालन नहीं किया, इसलिए संत वैलेंटाइन को राजा ने सजाए मौत का आदेश सुनाया। अब संत वैलेंटाइन जेल में थे और अपनी मौत के तारीख का इंतजार कर रहे थे। एक दिन उसके पास एक जेलर आया जिसका नाम एक्टेरियस था। बहुत से लोगों का मानना था कि संत वैलेंटाइन के पास एक ऐसी दिव्य शक्ति थी जिसके इस्तेमाल से लोगों के रोग मुक्त कर देते थे। जेलर एक्टेरियस की एक अंधी बेटी थी और जेलर को पता था कि संत वैलेंटाइन के पास एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे लोग रोग मुक्त हो जाते हैं। जेलर एक्टेरियस वैलेंटाइन के पास गए और बोले कि मेरी एक अंधी बेटी है, कृपा करके आप उसकी अपने दिव्य शक्ति से मेरी बेटी की आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। संत वैलेंटाइन एक नेक दिल इंसान थे, सबकी मदद करते थे, और संत वैलेंटाइन ने अपनी दिव्य शक्तियों से जेलर की बेटी को ठीक कर दिया। उस दिन के बाद से वैलेंटाइन और एक्टेरियस की बेटी के साथ गहरी दोस्ती हो गई, और यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें भी पता नहीं चला। एक्टेरियस की बेटी को पता लग गया कि वैलेंटाइन ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, उन्हें जल्द ही फांसी दे दी जाएगी, और वो ये सदमे को सोच सोच कर गहरे सदमे में चले गई। आखिरकार वो मनहूस दिन आ ही गया, 14 फरवरी। इस दिन संत वैलेंटाइन को फांसी लगने वाली थी। अपने मौत से पहले संत वैलेंटाइन ने जेलर से कागज और कलम मांगा, और वैलेंटाइन ने उस जेलर की बेटी को आखिरी अलविदा संदेश पत्र लिखा
और पेज के आखिरी में उन्होंने लिखा, तुम्हारा वैलेंटाइन। ये वो लफ्ज है जिसे दुनिया आज भी याद करती है। संत वैलेंटाइन के इस बलिदान की वजह से 14 फरवरी को उनके नाम से रखा गया। इस दिन को पूरी दुनिया में प्यार करने वाले लोग वैलेंटाइन के रूप में याद करते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी सेंट वैलेंटाइन और क्रूर राजा क्लूडियस की कहानी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इसी वजह से आज हम 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन के रूप में मनाते आ रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस स्टोरी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस टॉपिक में। बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।